11 जनवरी को ग्वालियर और मुरैना के 3 एटीएम काटकर 67 लाख रुपए के लूट करने वाली गैंग की धरपकड़ तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा मेवात के सुनाना और ताबूड़ गांव में दबिश दी। पुलिस को सीन ऑफ क्राइम के अनुसार मेवाती गैंग पर ही संदेह है, इसके चलते क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां डेरा जमा लिया है। आपको बता दें कि 10 और 11 जनवरी की रात कार सवार अज्ञात बदमाशों ने ग्वालियर और मुरैना के 3 एटीएम काट कर लगभग 67 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ग्वालियर में दोनों वारदातों का अंजाम देने के बाद मुरैना में भी एटीएम काट कर लाखों रुपए की लूट की थी। बताया गया कि आरोपी ग्वालियर से लगभग 50 लाख और मुरैना से लगभग 17 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की 6 टीमों ने अलग अलग राज्यों में दबिश दी है। इन्हीं में से एक टीम ने हरियाणा में दबिश दी है। गौरतलब है कि हरियाणा के इन दोनों गांव में एटीएम काटने वाली मेवाती गैंग सक्रिय है, जो एटीएम काटकर कैश लूटने की ट्रेनिंग भी देती है, इसलिए पुलिस ने वहां डेरा जमा लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि ट्रेनिंग देने वाले गैंग के सदस्यों को पकड़ने के बाद एटीएम काटकर कैश लूटने वाली वारदात का खुलासा हो सकता है। क्राइम ब्रांच की टीमें राजस्थान और हरियाणा में लगातार डेरा डाले हुए हैं और अब ग्राउंड इन्फॉर्मेशन डेवलप की जा रही है। उसमें कुछ गैंग सूचीबद्ध किए गए हैं जो कि एक्टिवली इसमें ये इस तरह की एटीएम कटिंग की घटनाएं कर रहे हैं। कुछ गांव भी चिन्हित किए गए हैं। अब गांव चिन्हित करने के बाद कुछ गैंग्स के नाम सामने आए जो चिन्हित किए गए हैं। अब उनमें गैंग मेंबर्स कौन कौन हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उनकी वो कहाँ कहाँ थे, इन सब में इन्फॉर्मेशन जुटाई जाएगी। लोकल आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार काम कर रही है। जल्दी इसमें खुलासा